हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, जो हमने ब्लाउज की लंबाई ली है वो 14 इंच लिए। यहाँ से हमने शोल्डर 6 इंच के लिए, हार्मुल 6.5 इंच लिए। आप अपने अनुसार ले सकते हैं। जो हमने यहाँ पर गले की चौड़ाई ली है वो 3 इंचज ली है। आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और मैं इसे वी शेप दूंगी, तो मैंने यहाँ से 11.5 इंच रखा है। तो मैं यहाँ से इंच टेप को इस तरीके से तिरछा करते हुए मार्किंग कर लेती हूँ। मैं इसको पहले कट नहीं करूँगी। इस तरीके से इसको फोल्ड करना है ताकि निशान हमारा इधर की साइड भी आ जाए। अब इसे मैं मेन फैब्रिक के ऊपर रखते हुए स्टिच कर लेती हूँ। आप नीचे से जितनी पट्टी छोड़ना चाहें उस हिसाब से आप नेक पर मार्किंग करिए। हम इसको कट कर लेती हूँ। अब नोचिस लगाने के बाद मैं इसको पलट देती हूँ। पलटने के बाद मैं इसके ऊपर स्टिच कर लेती हूँ ताकि हमारा गला अच्छे से सेट हो जाए, फिनिशिंग भी आए। मैंने इस पर स्टिच कर लिए। इसको देखिए, मैं इस तरीके से रॉन्ग साइड को टर्न करते हुए इस पर स्टिच कर लेते हैं। और हम नीचे बॉटम पर भी स्टिच कर लेते हैं।
देखिए, हमने एक पट्टी ली है जिससे हम फ्रिल बनाएंगे। इसकी चौड़ाई हमने 2 इंच ली है और लेंथ हमने नेक के हिसाब से ली है। इससे हमें डोरी बनानी है। अब इसको हम सीना कर लेते हैं। देखिए, हमें इस तरीके से फ्रिल बनानी है। देखिए, हमने फ्रिल लगा ली है और जो हमने फ्रिल लगाई है उसके बीचों बीच में हमें लेस लगानी है। अगर आप सिंपल रखना चाहें तो आप सिंपल रख सकते हैं। यहाँ पर मैं छोटी सी प्लेट डाल लेती हूँ ताकि यहाँ से जो कॉर्नर है हमारा बी शेप का अच्छे से आ जाए। देखिए, हमने एक और पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई हमने 3 इंच ली है और लेंथ इसकी हमने 16 इंच ली है। और यहाँ से हम पहले चौक से निशान लगा लेते हैं ताकि हमारे कॉर्नर शेप में आ जाए।
देखिए हमने इसको सीधा कर लिया है। यहाँ से हमें फ्लावर बनाना है इस तरीके से, और इसको हम यहाँ पर अटैच कर देते हैं। देखिए हमारा डिजाइन बन के तैयार है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।